नहीं ठीक है।
सब लोग वीडियोस ऑन कर लो, अपने कैमरा ऑन करो कैमराज। गुड आफ्टरनून शेफ। गुड आफ्टरनून साजिद, कैमरा ऑन करो। ऋत्विज, कैमरा। खुशबू, श्रुतिका, सब लोग कैमरा ऑन करो। कौशिक, कैमरा ऑन करो। तुम लोग कैमरा ऑन नहीं करोगे तो मैं प्रैक्टिकल नहीं लेने वाला हूँ आज। यहाँ पे प्रारंभी और सुमित, ये लोग को सिखाऊंगा बस। ऋत्विज, चालू कर चालू कर, आवाज आएगी पता चलता है। गुड आफ्टरनून शेफ। गुड आफ्टरनून। चलो सब लोग कैमरा ऑन करो। कौशिक, ऋत्विज, साजिद, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अनिल। हम लोगों ने, मैंने घर से डेमो क्लासेस ली थी, ठीक है? तो हमने कुछ पास्तास बनाए थे, बेशामेल हो गया, अरेबिका हो गया। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, रेडीमेड सॉस यूज करेंगे। पेस्टो मैंने बना के रखा है, पेस्टो की रेसिपी मैं बताऊंगा, पेस्टो कैसे बनाना है। ऑथेंटिकली पेस्टो बनाते हैं तो उसके लिए बेजिल यूज करते हैं, ठीक है? पाइनट्स हो गया, बेजिल, गार्लिक और पार्मेजान चीज बस, और ऑलिव ऑयल। तो पेस्टो बनाने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड से उसमें अगर बेजिल तुमको ब्लांच करके लेना है तो ब्लांच कर सकते हो, बेजिल ब्लांच नहीं करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है? अगर बेजिल ब्लांच करोगे तो उसका कलर थोड़ा अच्छा आ जाता है पेस्टो का, ठीक है? और बेजिल अगर ब्लांच नहीं करोगे तो क्या होगा, पेस्टो थोड़ा डार्क इन कलर में हो जाएगा, आ जाएगा वो थोड़े डार्क हो जाएंगे, ठीक है? मैं तुमको दिखाता हूँ मेरे पास जो पेस्टो है। दिख रहा है सबको? ठीक है, ये एकदम फाइनली पेस्ट नहीं किया मैंने इसका, नॉर्मल है, ठीक है? तो डिपेंड्स करता है कि हम लोग क्या बना रहे हैं, तो वैसे ही उसके हिसाब से पेस्ट को बनाते हैं। कुछ लोग चंक्स रखते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पेस्ट, फाइन पेस्ट करते हैं, डिपेंड्स हम लोग कैसा बना रहे हैं। शेफ, ये ज्यादातर ग्रेवीज में जाते हैं ना? ग्रेवीज में नहीं, पास्ता वगैरह में यूज होता है मोस्टली। अच्छा, हाँ, ये अपना इंडियन नहीं है, कॉन्टिनेंटल इटालियन हो गया, इंडियन नहीं है। वीडियो बंद कर, इधर पास्ता के लिए, ठीक है? जब पानी बॉईल हो जाता है तब इसमें हमको पास्ता डालना है, उससे पहले पास्ता ड्रॉपली करना है उसके अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, आज फूसली पास्ता है मेरे पास, फूसली पास्ता यूज करेंगे और स्पैगेटी है। तो फूसली पास्ता में बनाएंगे अरेबिका, फूसली अरेबिका और अपना पेस्टो फूसली, ठीक है? स्पैगेटी में स्पैगेटी ओलियो ओलियो बनाएंगे। तो किसी को पास्ता के शेप्स मालूम है, टाइप तो पास्ता, एनीवन, एनी फाइव पास्ता बता दो। संकेत, खुशबू, अनिल, पेने पास्ता, पेने पास्ता, पिंक सॉस पास्ता, कौन सा सॉस पास्ता रितेश? पिंक सॉस पास्ता, पिंक सॉस पास्ता, पिंक सॉस पास्ता सॉस का नाम हो गया, पिंक सॉस, ठीक है? पास्ता का नाम क्या है? मैक्रोनी, मैक्रोनी, मैक्रोनी और
स्पगेटी आता है क्या? हाँ स्पगेटी, स्पगेटी आता है। लज़ानिया भी आता है ना? हाँ लज़ानिया आता है, लज़ानिया पास्ता। और होटल्स और क्या आएगा? पापले आएगा, रावियोली आएगा, रावियोली होममेड पास्ता हो गया। वो रिसोटो भी पास्ता का टाइप है ना? रिसोटो, रिसोटो राइस हो गया। अच्छा राइस, हाँ रिसोटो राइस है, पास्ता नहीं है। पापले हो गया, नोकी हो गया है ना, ये सब पास्ता के शेप है। तो पास्ता के शेप के हिसाब से उनके नाम है, जैसे स्पैगेटी नूडल जैसा लगता है पर नूडल तो थोड़ा डिफरेंट है। वर्मिसेली भी पास्ता ही आएगा ना? हाँ वर्मिसेली पास्ता हो गया, बहुत सारे शेप्स हैं पास्ता के। ठीक है तो जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स कौन कौन से हैं? जो बेसिक्स हो गया मैक्रोनी हो गया, पेनी हो गया, टोस्टली हो गया, स्पैगेटी हो गया, लज़ानिया हो गया, वर्मिसेली हो गया, पापले वगैरह सैलेड वगैरह मिलता है, मैक्रोनी हो गया सैलेड में। तो जो बेसिक पास्ता शेप्स हैं यही है जो मोस्टली रिपीट होते रहते हैं हर एक डिशेस में, सैलेड्स में, पास्ता में, सॉस में। ठीक है और जो पास्ता का नाम होता है वो सॉस के ऊपर जाता है नाम, जैसे पेस्टो फूसली, ठीक है अरेबेता पेनी। तो जो भी शेप का पास्ता रहेगा बस सॉस का नाम है, ऐसे पास्ता का नाम आता है, सॉस का नाम आता है। तो जब पानी बॉईल हो जाएगा तब हम इसमें पास्ता डाल देंगे। जैसे पानी बॉईल हो गया पानी बॉईल करते टाइम पानी, ऑयल और लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट ऐड करना है बस। ऑयल ऐड करने से क्या होगा? पास्ता स्टिक नहीं होगा। ठीक है उसको एक बार स्टर कर देने का बस। और पास्ता बॉईल होने में अराउंड 8 to 9 minutes लगेगा। ठीक है और अगर लजानिया स्वीट बॉईल कर रहे हो तो कोई भी फ्लैट वो लेना है, वेसल, उसमें बॉईल करना है, मतलब फ्लैट उसमें, तो अच्छे से बॉईल हो जाता है और अच्छा स्पेस मिल जाता है उसको, नहीं तो स्टिक हो जाता है लजानिया। और लजानिया बेसिकली प्रिफर करते हैं कि फ्रेश बना हो तो अच्छा होता है, रावियोली जैसे फ्रेश बनता है। ठीक है वैसे ही लज़ानिया फ्रेश अच्छा होता है, वो कुक करने के लिए। घर पे कौन कौन पास्ता बनाया अब तक? किस किसने बनाया पास्ता घर पे? हम लोगों ने क्लासेस करे थे, मैंने भी बनाया था। हाँ पास्ता के पैकेट, कोई भी पास्ता यूज कर सकते हैं यहाँ पे, पजानी का मेरे पास। ठीक है कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हो, अच्छा ब्रांड होता है डेलमोंटे, डेल मोंटे का पास्ता बहुत अच्छा होता है। हाँ वो ठीक है और वैसे कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो अगर रिचनेस है तो वो पास्ता बहुत अच्छा प्रिफर है ब्रांड डेल मोंटे का। जो पास्ता होता है, पास्ता को कैसे निकालना होता है? अलडांडे बोलते हैं पास्ता को, हाफ कुक, ठीक है हाफ कुक उतारना है पास्ता को। और फिर पास्ता क्या होता है, जैसे हाफ कुक उतार लिया हमने पास्ता, फिर जब हम उसको फिनिशिंग देंगे तो पास्ता उसमें कुक हो जाता है। ठीक है अब हो गया पेस्टो सॉस, पेस्टो सॉस बताओ, मैंने बताया था पेस्टो सॉस कैसे बनाते हैं, एनीवन? टोमेटो का क्या? ग्रीन वाला पेस्टो सॉस, बेसिल पेस्टो सॉस।
बेसिल लेना है, ठीक है, बेसिल क्लीन करने हैं, बेसिल अच्छे से वॉश करना है। फिर उसके दो मेथड्स हैं, एक या फिर तुम बेसिल लीव्स को ब्लांच कर लो या फिर ब्लांच मत करो, ठीक है। ब्लांच करेंगे तो अच्छा होगा, कलर कंट्रास्ट ग्रीन अच्छा आता है, ठीक है। ऑलिव ऑयल, पाइन नट्स, पामेजान चीज, गार्लिक, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, बस बेसिल के लिए इतना ही नफर है, इतना ही जाता है, ठीक है। सबको मिक्सी करना है, मिक्सी मार देना, ऑलिव ऑयल डाल के पेस्ट हो जाता है। और ये हो गया जो बॉइल्ड वाला है, वो और विदाउट बॉइल्ड वाले में बेसिल लीफ बॉइल नहीं करना है, डायरेक्ट मिक्सी में डालना है वॉश करके अच्छे से। ऑलिव ऑयल, गार्लिक, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, पार्मेसन चीज़, ग्रेटेड, फिनिश। और उसमें ऑयल ज़्यादा लोग रखोगे तो अच्छा होगा, जैसे इसमें दिख रहा है इसमें कितना ऑयल है। यस, कौन से कौन से इंग्रेडिएंट यूज किए इसमें? अब होता है, अभी क्या होता है मैं बता दूंगा। अभी बहुत से प्लेसेस में क्या होता है कि जो गेस्ट होता है एलर्जिक होता है पाइन नट्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द गेस्ट एलर्जी होती है, अभी तुम लोगों ने भी नहीं खाया पाइन नट्स, अगर खाओगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल को क्या होती है, एलर्जी होती है, तो अवॉइड करते हैं पाइन नट्स। उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं वॉलनट, पीनट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जगह पे तो वॉलनट यूज करते हैं। और अगर फिर क्या करते हैं शेफ लोग कॉस्टिंग बचाने के लिए पीनट्स यूज कर लेते हैं, आलमंड भी यूज कर सकते हो पील करके, उनके छिलका निकाल के आलमंड। और पाइन नट्स और वॉलनट्स का टेस्ट थोड़ा बेटर है, मतलब थोड़ा सेम है, तो वॉलनट यूज कर सकते हो तुम लोग टेस्ट को बनाने के लिए। पाइन नट्स वैसे भी बहुत कॉस्टली है। चॉपिंग बोर्ड लगाएंगे तो आज आए हुए हैं सुमित और प्रारंभी, ठीक है। तो सुमित और प्रारंभी बनाएंगे आज, मैं उनको गाइड करूंगा कैसे बनाना है। हमारा तो भाई तुम लोगों का नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट टाइम। संकेत किधर है? हाँ हाँ हाँ, मुंबई में हूँ। मुंबई में क्या आया तू? एक महीना होके गया। शेफ, आई एम सॉरी, मैं तुम लोगों को देखेगा कि नहीं पता नहीं, ठीक है, देखेगा तो बताना। नहीं दिख रहा था, ब्लर हो रहा है। यस यस, ये वाइट वाइट दिख रहा है पास्ता के बीच में लाइन? ओके हां हां, ठीक है, ये अलडांडे आपको अलडांडे। हां, तो ऐसा पास्ता उतारना है, मींस पास्ता डन हो गया, ठीक है। पर मैं क्या करूंगा, मैं इसको पूरा डन करूंगा, ठीक है, क्योंकि सुमित बनाने वाला है पास्ता, तो क्या करेंगे पास्ता को पूरा डन करेंगे। हाँ, तो वैसे डन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम होटल्स में या फिर गेस्ट को दे रहे हैं तो हमको हाफ को उतारना है, क्योंकि सॉस के साथ वो फिनिश करना है पास्ता। पर अभी मैं पास्ता पूरा बोल करूँगा। तो भी कितने मिनट्स करना रहता है वो स्टीम? पास्ता 8 से 9 मिनट में पूरा हो जाता है, डन हो जाता है पास्ता, जब पानी बॉयल होना चालू हो जाता है उसके बाद पास्ता डालना है, ठीक है, उसके बाद टाइम काउंट करना। एक साइड स्पैगेटी हो रहा है, ठीक है, स्पैगेटी में कट करके दिखाता हूँ कैसा है। अभी हाफ कुक है, उसके बाद फुल कुक, मतलब क्या है, अपना सॉस के साथ वापस कुक करेंगे उसको? हाँ, सॉस के साथ वापस कुक करेंगे। स्पैगेटी हो गया, नहीं तो स्पैगेटी में भी क्या होता है, ऐसे स्पैगेटी है ये मैंने कट किया है, राइट। स्पैगेटी के अगर ऐसा हम करेंगे दिखाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बीच में एक डॉट आता है, वाइट डॉट, तो मतलब अलडांडे, ठीक है। पर स्पैगेटी को भी वैसे ही उतारना है जैसे अलडांडे उतारते हैं। स्पैगेटी डन हो गया, स्पैगेटी बंद कर सुमित। अभी शेफ, अभी कोई कोई क्या कर देता है, पास्ता बॉईल हो गया, ठीक है, पास्ता बॉईल हो गया, वो लोग क्या करते हैं ठंडे पानी में डाल देते हैं पास्ता। वैसा नहीं करना है, पास्ता को स्ट्रेनर पे या फिर ट्रे में डालना है पास्ता, और थोड़ा ऑयल ड्रिजल करना है उसके ऊपर, रूम टेम्परेचर पे। हाँ, रूम टेम्परेचर पे कोल्ड होना चाहिए, ठंडे पानी में नहीं डालना है पास्ता, क्या होगा स्टिक हो जाएगा, ठीक है। कोल्ड वाटर यूज नहीं करना है, कोल्ड वाटर यूज करते हैं बस लजाना के लिए, लजाना शीट होता है ना, ब्रेक हो जाता है, तो
तो उसके लिए कोल्ड वाटर यूज़ करते हैं ताकि ब्रेक ना हो। और हम जो बात होता है, जो कोल्ड बात होता है, यूज़ किस लिए करते हैं, कुछ मालूम है आइडिया कुछ क्यों यूज़ करते हैं हम लोग कोल्ड कोल्ड बात ठंडा करने के लिए चीज़ों को क्यों यूज़ करते हैं? कुकिंग रोकने के लिए, ठीक है। क्या राइस है, हमने राइस बाहर निकाला, बासमती राइस है, कोई सा भी राइस, राइस तो वैसे ठंडे पानी में नहीं डालते, पास्ता का ऑप्शन ले लो या फिर नूडल्स, या फिर नूडल्स का ले लो, या फिर कोई कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का ले लो, बेसिल का ले लो, ठीक है, ब्रोकली का ले लो, ब्रोकली हो गया। अभी ब्रोकली हमने अगर बॉईल करी, ब्लांच करी, ठीक है, तो हमको क्या करना है, कोल्ड वाटर लेना है और स्ट्रेन करना है कोल्ड वाटर में, उससे क्या होगा, उसका टेम्परेचर, कुकिंग रुक जाएगी उसकी, ठीक है, ब्रोकली की या फिर कोई भी वेजिटेबल की। तो कोल्ड बाथ इसलिए यूज़ करते हैं कि उसका कुकिंग आगे ना जाए, ठीक है, कुकिंग स्टॉप करने के लिए ठंडा पानी यूज़ करें, तो कुकिंग रोकता है बेसिकली, ये भी स्ट्रेन करना। तो सुमित और पारायण भी आज हेल्पिंग हैंड है, तो इनको पता चल रहा है कैसे करना है काम। कपड़ा पकड़ ये ले कपड़ा, अभी पास्ता बनाने के लिए सॉस बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है, सॉस बहुत सारे, बहुत सॉस है पास्ता बनाने के लिए। पास्ता में तुम लोग वोडका यूज़ कर सकते हो, अल्कोहल यूज़ कर सकते हो, जिन हो गया, ठीक है, और भी अल्कोहल्स हैं जो तुम यूज़ कर सकते हो, स्पिरिट से यूज़ कर सकते हो, और रम है यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉस यूज़ कर सकते हो, और फिश का सॉस बना सकते हो, फिश बोन्स का, ठीक है, स्टॉक यूज कर सकते हो। अभी पास्ता बनाने के लिए बेसिक, जब हम पास्ता बनाएंगे, ठीक है, तो हम सॉस तो डालेंगे, राइट, सॉस तो जाएगा उसका, पर उसको जो फिनिश करने के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्टॉक वाटर यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर वेज पास्ता बना रहे हो तो उसमें वेज वाटर यूज़ करेंगे, वेज स्टॉक, और नॉन वेज बना रहे हो तो उसमें नॉन वेज स्टॉक जाएगा। रितेश कुछ बोल रहा था तू? अगर वोडका और अल्कोहल दोनों मिक्स हो जाए पास्ता में, मतलब फॉर एग्जांपल बोलो, तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग नहीं हो जाएगा, या टेस्ट अलग हो जाएगा, टैंगी जैसा। तो क्या करना है कि हम दोनों मिक्स नहीं करना है ना जैद, हमको मिक्स नहीं करना दोनों, हमको दोनों बोतल आजू बाजू नहीं रखनी है कि दोनों मिक्स हो जाए, या फिर मिक्स करेंगे तो उसका मतलब फ्लेवर पूरा चेंज हो जाएगा, फ्लेवर चेंज हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम अल्कोहल यूज कर रहे हैं तो एक ही अल्कोहल यूज करना है, कोई भी पास्ता अगर मान लो कुछ भी वोडका यूज करो तो वोडका यूज करो, रम है तो रम यूज करो, कोई भी एक, ठीक है, बेसिकली वोडका सॉस पास्ता जाता है, रम वगैरह अभी तक इतना नहीं फेमस है, ठीक है, वोडका सॉस पास्ता बहुत फेमस है, तो वोडका अच्छे से पेयर होता है पिंक सॉस के साथ, पिंक सॉस बोलेंगे तो अरेबिका और बेशामेल सॉस, दोनों मिक्स करेंगे तो पिंक सॉस, अगर वो वोडका रम करेंगे तो रम का ही टेस्ट है ग्लास में, हाँ तो रम का टेस्ट आएगा, रम भी डालना होता है। अभी सुन लो, जब हम लोग वेजिटेबल सौते करते हैं, ठीक है, हमने पैन के, हमने रेंज ऑन किया, पैन रखा, सेलरी, गार्लिक, अनियन अगर तुमको डालना है तो डालो, ठीक है, वेजिटेबल्स डाले, फिर हम उसको उस टाइम उस तभी हमको डालना है अल्कोहल, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, वोडका या फिर रम, जो भी तुम अल्कोहल यूज़ कर रहे हो वो, ठीक है, उसके बाद हमको पास्ता डालना है, पास्ता थोड़ा सौते करना है, फिर सॉस डालना है, ठीक है। अभी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, कोई कोई क्या करता है, पहले सॉस डालता है फिर बाद में पास्ता डालता है, अगर तुमको अच्छा पंची फ्लेवर देना है, होता है वोडका वगैरह अल्कोहल वगैरह जो होता है, तो मतलब फिनिशिंग के टाइम भी होता है ना, एंड में डालते हैं ना, ये पहले डालेंगे तो मतलब वो फ्लेवर, हां 20 ml या 30 ml ले लिया तो पूरा एक साथ यूज नहीं करना है वो, ठीक है, जो तुम्हारा ऑयल है, जो ऑयल बेस है तुम्हारा पास्ता में, से हमने तड़का भी वेज हमको सौते कर रहे हैं, ऑयल डाला है ना, ठीक है, जब हम अगर अल्कोहल डालेंगे तो क्या करेगा, वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा, पकड़ लेगा अच्छे से तुम्हारे वेज को, पास्ता को, ठीक है, तो हम सौते करेंगे तो हम बनाएंगे, और जब फिनिश करेंगे तब डालेंगे, तो एक ही साथ यूज़ नहीं करना होता वो, एक ही ना
माइक की जरूरत है। अभी पेस्ट तो बनाने के और भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं पेस्ट तो बनाने के। कोई कोई पेस्टों में क्या करता है, क्रीम ऐड करता है, ठीक है, बेशामेल सॉस ऐड करता है पेस्टो सॉस बनाने के, तो ऑथेंटिकली कुछ ऐड नहीं होता, बस पास्ता और पेस्टो सॉस और चेरी टमाटो पास्ता, पेस्टो पास्ता देखो क्या क्या। ओके, सबको विजिबल है राइट? यस। हाँ, तो अभी मैं इधर मूव करता हूँ थोड़ा, तो तुमको सबको विजिबल दिखेगा। ठीक है, फर्स्ट आराम भी बनाएगी, ठीक है सर। तेरा कैमरा चालू है ना, तेरा मोबाइल चालू है बराबर? ठीक है, इसको फोन में नेटवर्क खराब होता है, देख कनेक्ट करके देख एक बार हो रहा है। प्रारंभ भी बनाएगी पेस्टो सॉस पास्ता, ठीक है, फूसली पेस्टो, जैसे फूसली है तो इसको नाम देंगे फूसली पेस्टो, ठीक है, फूसली पेस्टो हो गया, कनेक्ट किया। पैन ले ले, इधर यहाँ पे खड़े रेंज के सामने करवाना है आप, ठीक है, पहले चालू कर। आराम से स्लो फ्लेम पे रखना है, चालू हो तेरा, ठीक है, अभी तो दिखा देंगे जरा, अभी तुम लोग सब सुमित की स्क्रीन पर टैप करो, सुमित दिख रहा है तुम लोग को ना? हाँ, सुमित की स्क्रीन पर टैप कर दो, तुमको वीडियो बराबर दिखाई देगी। दिख रही है सुमित की वीडियो, विजिबल है? लॉग इन नहीं हुआ है सुमित का, किसका लॉग इन नहीं हो रहा है सुमित का? ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रहा है उसका, ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रहा है, स्क्रीन चालू नहीं आ रहा है, लॉक हो रहा है। हाँ, स्लो फ्लेम पे रख, दिख रहे हो ना तुम? नहीं नहीं, दिख रहा है अभी? नहीं, ब्लैंक स्क्रीन है। नहीं सर, नहीं दिख रहा है। शेफ और ये दिख रहा है, मेरा दिख रहा है स्क्रीन? यस यस, ओके, मेरे स्क्रीन पे देखो, ठीक है, ओवर इट, यस, ठीक है। हाय, एक मिनट, मैं तब तक इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ, ठीक है। सबको पैन दिख रहा है ना? ओके, ठीक है, रेंज चालू, ठीक है, रेंज चालू, हल्का ज्यादा ऑयल नहीं डालना है, थोड़ा सैलरी डालो, ठीक है, सैलरी होगी चॉप सैलरी, ठीक है, अभी कुछ चेरी टमाटो डालेंगे, ठीक है। शेफ, व्हाइट वाला क्या था? गार्लिक,
हेलो हेलो सांबर इसमें पैसे कौन ऐड करें इसमें पैसे ये एक लड़ाई स्टॉक हल्का सा फाइनल हल्का सा फाइनल शायद इसमें और अगेन नहीं आएंगे ना आ सकते हैं उसमें विजिबल है दिख रहा है सुमित के उसमें हाजिर है नहीं उसका स्क्रीन ब्लैक ही दिखाई दे रहा है सही हो गया तुम्हारा पुतली उसी पास्ता का नाम हो गया और पेस्टो सॉस हो गया ठीक है उसी पेस्टो का अभी बनाएंगे उसी पेस्टो अरे बेटा अरे बेटा दूसरा पैन लो सारा भी दूसरा पैन लेकिन चल रहा नहीं चल रहा लेकिन लेकिन हो गया तो लेकिन सबको दिख रहा है क्या सुमित का स्क्रीन दिख रहा है विजिबल है नहीं नहीं विजिबल नहीं है सुमित का नहीं दिख रहा है सुमित का विजिबल नहीं है आपका विजिबल है अच्छा सुमित का विजिबल नहीं है वीडियो ठीक है तो अभी ये देखो ठीक है सेकंड पैन सेकंड पास्ता बनाएंगे अभी चालू है ना हाँ लो फ्लेम पे रखना है ऑयल ऐड करेंगे इसमें भी सेम वेजिटेबल्स इंडियन वेजिटेबल नहीं यूज करना है मूली वगैरह नहीं डालना है मूली वगैरह नहीं डालना ठीक है पास्ता में मूली वगैरह मत डाल देना कोई आलू मत डाल देना आलू मत डाल देना वेजिटेबल इंग्लिश वेजिटेबल वेजिटेबल अभी क्या करेंगे थोड़ा सा स्टॉक डालेंगे स्टॉक ऐड करेंगे फिर अरे बेटा सॉस ऐड करेंगे अरे बेटा सॉस ऐड करने के बाद अरे बेटा पास्ता डालेंगे पास्ता
सॉल्ट पेपर चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे ब्लैक पेपर भी डाल दो ठीक है और अगर डालना है तो डाल सकते हो चिली फ्लेक्स डाल दो वेजिटेबल्स कोई भी यूज कर सकते हो मूली आलू गाजर नहीं डालना है इंडियन गाजर नहीं डालना है लाल वाला ऑरेंज कैरेट यूज कर सकते हो कंसिस्टेंसी कैसी है सुमित बनाएगा स्पेगेटी ओलियो स्पेगेटी ओलियो के लिए फ्रोजन चीज बना देते हैं आपका वीडियो हैंग हो रहा है हैंग हो रहा है सिर्फ वीडियो हाँ Yes. वीडियो दिख रहा है क्या सुमित का यस यस नहीं अभी अभी ब्लैंक चला गया जरा होल्ड करो एक बार नेटवर्क इशू होल्ड करो रोबोटिक आवाज आ रहा है नेटवर्क इशू थोड़ा होल्ड करो सबको
सिर्फ एक माइक म्यूट कर दो। ये आप थर्ड पास्ता बना रहे हो? थर्ड पास्ता स्टैक दी ओली ओली बना रहे हैं, ठीक है। चालू आपको विजिबल है ना? हाँ विजिबल है, चालू। यस सर। हाँ अभी स्टॉक ऐड करेंगे, कुक होने के बाद स्टॉक ऐड करना है। फिर उसके बाद स्पैगेटी पास्ता ऐड करेंगे। चिली फ्लेक्स डालेंगे, सीजनिंग करेंगे सॉल्ट पेपर से। पार्मेसन चीज ऐड होगी, ठीक है। हम लोग यूज नहीं कर रहे पार्मेसन चीज, पार्मेसन चीज और ऑलिव, काला माटा जो ऑलिव्स आते हैं वो ऐड होगा बस, वो फिनिश। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन ऐड चॉप पार्सली, चॉप पार्सली ऐड कर सकते हैं। इट डन हो गया, ठीक है। देखो बम के पास्ता दिखता था। स्पैगेटी ओली ओली हो गया, ठीक है। वाली पास्ता दिखता था। ये थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट जैसा कुछ है, वो क्या है? ये गार्लिक है, गार्लिक। ठीक है, हमारे तीन पास्ता रेडी हो गए। ये पेस्टो पास्ता हो गया। ये क्या होगा, अगर ये रखा होगा तो इसका कलर चला जाएगा, इसका कलर ऑफ हो जाएगा, डल हो जाएगा पेस्टो का कलर, ठीक है। और कलर डल नहीं होने के लिए क्या ऐड कर देगा, क्रीम ऐड कर लेगा उसके अंदर, तो कलर डल नहीं लगेगा। ये कौन सा पास्ता है, नाम बताओ। अरेबिता। अरेबिता व्हाट? कौन सा अरेबिता? पास्ता का शेप कौन सा है? वो स्पाइरल शेप है, स्पाइरल। हाँ, क्या बोलेंगे शेप को? फूसली बोलेंगे, फूसली। अरे बेटा फूसली, ठीक है। ये अरे बेटा फूसली है। कौन सा फूसली? फूसली पास्ता, फूसली पेस्टो, फूसली स्पैगेटी ओलियो ओलियो, ठीक है। पहले सॉस का नाम लेना है, फिर पास्ता का नाम लेना, जो भी तुम पास्ता बनाया है। ये कौन सा है?
पेस्टो या पेस्टो फूसली कुछ भी बोल सकते हो। सब शेफ इटालियन पास्ता है क्या? हाँ इटालियन पास्ता है ना, बेसिक पास्ता इटालियन ही होता है। ये कौन सा है, नाम बताओ। अनिल कौन सा पास्ता है? अनिल तैडे। संकेत अरेबिता। हाँ फूसली अरेबिता। संकेत पास्ता का नाम अरेबिता ना? अरेबिता सॉस का नाम। अरेबिता सॉस का नाम होगा। पास्ता का नाम फूसली है। समझा सब लोग को पास्ता के नाम? पास्ता के नाम सिर्फ फोटो भेजोगे तो नाम भी भेजो उसके साथ। हाँ फोटो भेजेंगे तो नाम भी भेजो करके उसकी फोटो भेजते हैं। ठीक है हाँ, मतलब नाम भी भेजो उसके। हाँ सिंपल है, पास्ता बनाना बहुत सिंपल है, बस सॉस के नाम याद रखो। ठीक है, पास्ता का जो शेप है उसका नाम क्या है? तो पेस्टो फूसली, पेस्टो अरेबिता। ठीक है हाँ पेस्टो सॉरी पेस्टो फूसली हो गया, अरेबिता फूसली हो गया, स्पैगेटी ओली ओली हो गया, सेम ऐसे बेशामेल पेने बेशामेल हो गया। ठीक है व्हाइट सॉस पास्ता बोलते थे। रेस्टोरेंट में जाते हैं ना खाना खाने, कैसे ऑर्डर करते हो? व्हाइट सॉस पास्ता बोलते थे तो सबको मालूम है, कॉमन नेम है व्हाइट सॉस पास्ता। तो बेशामेल लेके आता है वो ऑर्डर में, तुम्हारे बेशामेल जाता है। ठीक है एक होता है क्रीमी, क्रीमी वेरा होता है पास्ता, उसमें क्रीम ज़्यादा होती है, व्हाइट सॉस कम होता है। सी फूड बेस्ड पास्ता भी होता है। ठीक है फिश स्टॉक वगैरह यूज करते हैं तो सी फूड बेस्ड हो जाता है। प्रॉन्स यूज करते हैं उसमें? हाँ प्रॉन्स मतलब वो तो जाएगा ही, प्रॉन्स हो गया फिश हो गया कुछ भी ऐड कर सकते हो तुम, पर सी फूड बेस्ड। पेस्टो में क्या क्या था? पेस्टो में बेजी लीव्स हो गए, ठीक है पार्मेजान चीज, ऑलिव ऑयल, पाइन नट्स, गार्लिक, सॉल्ट, पेपर, बस इतने ही गए। पेस्टो हो गया, पेस्टो इतने इंग्रेडिएंट्स में हो जाता है। और अगर अगर कोई एलर्जिक है पाइन नट्स है तो फिर वॉलनट यूज़ करना है। ठीक है और पैसे बचाने हैं, वॉलनट यूज़ नहीं करना तो पीनट यूज़ करना है। फिर टेस्ट भी तो डिफर करेगा। हाँ टेस्ट डिफर करेगा। पर तो रेस्टोरेंट में क्या करते हैं मोस्टली सब लोग, कॉस्टिंग कॉस्ट कट करने के लिए वॉलनट यूज़ करते हैं, पीनट यूज़ करते हैं। और कभी कभी मोस्टली मोस्ट ऑफ द गेस्ट एलर्जिक होते ही हैं पाइन नट्स से। ठीक है मोस्ट जगहों पर अवॉइड ही करते हैं पाइन नट्स, नहीं यूज करते। शेफ एक बार तीनों पास्ता का नाम बता के थोड़ा इंग्रेडिएंट बता देना, लिख के रखूंगा। इंग्रेडिएंट्स पास्ता के फोटो भेजेंगे ना तब वो डाल देंगे समझा। आज का पास्ता कैसे बनाते पास्ता? हाँ एकदम सिंपल है, राइट मतलब ज्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। हाँ लास्ट टाइम हमने जो बनाया था ना व्हाइट सॉस पास्ता एंड टोमेटो का, हाँ वो थोड़ा सा मतलब उसमें कैसे प्रोसीजर ज्यादा था। हाँ वो हमने जीरो जीरो से किया था, राइट जीरो से। यहाँ पे सॉस आपने पहले ही बनाया था ना शेफ? ठीक है तो जो मिजन पुलाव होते हैं इसको मिजन पुलाव बोलते हैं। ठीक है मिजा रेडी रखना, ये मिजा होता है तुम्हारा, कटिंग चॉपिंग सब रेडी, सॉस रेडी। ठीक है रेस्टोरेंट में ऐसे होता है, होटल्स में ऐसे होता है, क्या होता है सब रेडी होता है। ठीक है रेस्टोरेंट में सब रेडी होता है, ऑर्डर आया किचन में क्यूटी आई और 5 to 7 मिनट्स में तुम्हारा ऑर्डर आया टेबल पर। 5 to 7 मिनट्स होते हैं तुम्हारे पास, वैसे 15 मिनट होते हैं, 10 to 15 मिनट, पर वो जल्दी चला जाता है। ऑर्डर देने के बाद कितने मिनट्स में मतलब सर्व होना चाहिए फूड? फूड मिनिमम 10 to 15 मिनट में सर्व होना चाहिए टेबल पर, डिपेंड कहीं कहीं पर अगर फाइन डाइन है ऑथेंटिक चीजें यूज कर रहे हैं तो शेफ पास्ता भी बॉईल करके 20-25 मिनट भी जाता है। हेलो शेफ, हाँ तो मिजम प्ला में पास्ता बॉईल करके रखते हैं या फिर एट द मोमेंट बॉईल करते हैं? बॉईल करके रखते हैं पास्ता,
वहाँ पे क्या होता है जैसे क्वालिटी रेंज है, ठीक है, रेस्टोरेंट में नूडल्स रहते हैं लाइक दैट, हाँ नूडल्स रहते हैं ना, मींस नूडल्स कैसे बॉईल करके रखते हैं, तो पास्ता पाव हमने जैसे कि ऑर्डर दिया तो डायरेक्टली पास्ता पाव बॉईल होता है जैसे अल्लांडे, ठीक है, तो एक जगह पे वाटर सिमर होता रहता है पास्ता सेक्शन में, पानी सिमर होता है मतलब गर्म रहता है पानी, तो क्या करते हैं पास्ता हमने जैसे चिलर में पास्ता है वो ठंडा हो गया पास्ता, पास्ता बाहर निकालेंगे और कंटेनर में डालेंगे उसको, कंटेनर को जाली को, ठीक है, कॉनिकल बोलते हैं उसको, जाली को कॉनिकल में पास्ता डाल के वो कॉनिकल गर्म पानी में डाल देंगे, तो क्या होगा पास्ता गर्म हो जाएगा, सिमर हो रहा है वाटर राइट, अल्डांडे पास्ता है वो सिमर होगा, पास्ता गर्म हो गया, अब तुम्हारा सॉस वगैरह सब रेडी हो गया, सोते वेजिटेबल्स रेडी हो गए, एंड में पास्ता उसमें से निकाल के सॉस में डालना, घुमाना, फिनिश करना, बस दैट्स इट, हो गया तुम्हारा ऑर्डर रेडी, सीजनिंग सॉल्ट पेपर पार्मेजान चीज पार्मेजान चीज तुम लोग जो डाल रहे हो उसके ऊपर फिनिश करके गार्निश करके आउट, और हाँ अकम्पलीमेंट के लिए गार्लिक ब्रेड यूज़ करना है, मैंने गार्लिक ब्रेड यूज़ नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है, साइड में गार्लिक ब्रेड जाएगा, गार्लिक ब्रेड, हाँ गार्लिक ब्रेड, स्लाइस गार्लिक ब्रेड, इटालियन लोग तो वो भी नहीं डालते, वो लोग खा लेते हैं ऐसे ही, उनको सिंपल ही पसंद, ठीक है, पर अभी ऐसे अभी शेफ लोगों ने वो करंट ट्रेंड धीरे धीरे आते आते, वैसे गार्लिक ब्रेड बहुत पुराना यूज़ हो रहा है और अभी नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, तो गेस्ट प्रेफर करता है कि गार्लिक ब्रेड मिले साइड में, मोस्ट ऑफ द जगह पे गार्लिक ब्रेड नहीं भी देते, कोई भी देता है कोई भी नहीं देता, जैसे है रेस्टोरेंट के जो फैसिलिटीज हैं वो लोग जो सर्विस देते हैं डिपेंड करता है वो क्या दे रहे हैं, कुछ डाउट है नहीं शेफ, ऐसे टोटल कितने पास्ता है मतलब वैरायटीज, मतलब सॉसेस के नंबर ऑफ वैरायटीज, और वैरायटीज है सॉसेस भी बहुत है, बहुत सॉसेस है, ऑयस्टर है, बहुत सारी सॉसेस है, बहुत सारी सॉस बना सकते हैं पास्ता सॉस, पर जो बेसिक सॉस है ये तीन बेसिक सॉस है, पेस्टो, अरेबिता, बेशामेल, व्हाइट सॉस, रेड सॉस और एक तुम्हारा ग्रीन पेस्टो सॉस, ये तीन बेसिक्स है, और पिंक सॉस जो बनता है व्हाइट सॉस और रेड सॉस को मिक्स करके पिंक सॉस हो जाता है, मिक्स सॉस पास्ता बोल देते हैं, कोई पिंक सॉस पास्ता बोल देता है, ठीक है, तो एक वो फोर्थ सॉस वो बन जाता है तुम्हारा, तो बेसिक इतना ही है, इसका टेस्ट थोड़ा अलग रहेगा ना फिर, क्योंकि व्हाइट सॉस कैसे इटालियन से इतने स्पाइसी नहीं खाते हैं, राइट, स्पाइसी प्रेफर नहीं करते, जो भी तुम्हारे इटालियन कॉन्टिनेंटल क्यूजीन है इतनी स्पाइसी नहीं होती है वो, तो जो तुम्हारा रेड सॉस पास्ता है वो थोड़ा चिली फ्लेक्स उसमें जाता है तो थोड़ा स्पाइसीनेस रखता है, पर इतना भी स्पाइसी नहीं होता क्योंकि जो सॉस है वो टमाटो बेस्ड है, वो टैंगी होता है, राइट, तो टैंगी और स्पाइसी बैलेंस हो जाता है, कोई स्पाइसी नहीं लगता है वो, पेस्टो अगेन पेस्टो स्पाइसी नहीं है उसमें, ग्रीन चिली नहीं जा रही है, बेशामेल व्हाइट सॉस है वो भी स्पाइसी नहीं होगा, तो तुम्हारा जो थोड़ा टैंगी और स्पाइसीनेस लगेगा वो अरेबिता लगेगा और कोई सॉस में स्पाइसी नहीं लगेगा, और कुछ डाउट है? नो शेफ। श्रुतिका, तुम्हें श्रुतिका ये भाग्यश्री, सौमिल, जैद, विष्णु महाराज का कुछ डाउट? नो शेफ। नो शेफ। तुम लोग कैंप, तुम लोग वीडियो पे नहीं आते हो, बस ये दो तीन जन वीडियो पे आते हैं, ऋत्विक, संकेत है, अनिल है, तुम लोग क्या कर रहे हैं सब लोग? मेरा वीडियो कब से चालू ही नहीं हो रहा है, क्या क्या होगा पता नहीं, मेरे वीडियो में आने के लिए कोई बटन होगा दे उसको दिखता है, कोई बटन अच्छा तेरा सेटिंग में कुछ तो हुआ है, आज तेरी सेटिंग में क्या हो गया? नहीं नहीं ऋत्विक सेटिंग बिगड़ गया शायद, आज तेरी सेटिंग में भी कुछ तो ऐसा रेड मार्क हो रहा है, मतलब मैं कल से वीडियो पे आने के लिए वो हट गया है तेरा वीडियो का मार्क ऋत्विक जैसे आपने अभी फ्यूसलिक के साथ बनाया सारे सॉस, तो हम कोई भी पास्ता के साथ यूज कर सकते हैं, सॉस कोई से पास्ता के साथ यूज कर सकते हो, जैसे स्पैगेटी हो गया तो स्पैगेटी के साथ पेयर नहीं होता है, कभी कभी सॉस पेयर नहीं होते शेफ को पास्ता के साथ, अभी पेने हो गया, पेने में क्या होता है पेने में होल होता है अंदर, मालूम है सबको शेप कैसा होता है, अभी फूसली में क्या होगा सॉस रुकेगा, स्पाइरल है, ठीक है, सॉस को होल्ड कर लेगा,
स्पाइरल शेप की वजह से, राइट। सेम गोज विद पेने, पेने में क्या होगा, सॉस को अंदर फील हो जाएगा, सॉस होल्ड कर लेगा पास्ता। अभी अगर हम ये पेस्ट को स्पैगेटी बनाएंगे, क्या वो होल्ड करेगा? नहीं करेगा होल्ड, है ना, उसका शेप ऐसा नहीं है। स्पैगेटी का शेप कैसा है? नूडल जैसा है, होल्ड नहीं कर पाएगा। बना सकते हो ठीक है, पर इतना तुमको टेस्ट नहीं आएगा, सॉस का टेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है, बना सकते हो तुम लोग। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तुम लोग को थिक करना पड़ेगा सॉस, क्रीम वगैरह ऐड करनी होगी, ठीक है, और सर्व करने का वे थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा। और शेफ वो जो फोल्ड करके रोल करना होगा, फिर उसको सर्व करना, ऊपर से और सॉस ड्रिजल करना होगा, तब जाके सर्व होगा। तो अगर तुमको टेस्ट चाहिए सॉस का और पास्ता का, तो पेने अच्छा प्रिफर करते हैं, मैक्रोनी अच्छा प्रिफर करते हैं, ठीक है। और कोई कोई क्या होता है, गेस्ट होटल्स में आते हैं और लोग ऑर्डर थोड़ा अलग टाइप से ऑर्डर करते हैं, जैसे पैगडी के साथ अरेबिका चाहिए उनको, पैगडी के साथ बेशामेल चाहिए उनको, ठीक है, तो ऐसा भी ऑर्डर कर देते। तो हर एक की चॉइस है, गेस्ट की चॉइस है उसको कैसा चाहिए। हाँ साजिद, और वो जो स्टफ पास्ता होता है, नॉन वेज स्टफ होता है, उसमें वो कौन सा पास्ता है? यस, वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है। हाँ, एक नोकी हो जाता है, ठीक है, नोकी पास्ता भी है। तो जैसे क्या होता है, स्टफिंग जो डिपेंड करती है, स्टफिंग पे तुम लोग सी फूड स्टफ कर सकते हो, चिकन स्टफ कर सकते हो, प्रॉन्स ऐड कर सकते हो, रावियोली में रिकोटा चीज़ और स्पिनाच हो गया, ठीक है, प्रॉन ऐड कर सकते हो, जो ऑथेंटिक वे है। तो ये सब चीज़ें जो ऑथेंटिकली जाती हैं, पेयर अच्छी होती है, रिकोटा चीज़ हो गया, स्पिनाच हो गया, ठीक है, कॉर्न हो गया, ये अच्छे से पेयर होता है तीनों चीज़ें। तो वो हमें रेडीमेड नहीं मिलता ना पास्ता? नहीं, रेडीमेड नहीं मिलता है, ध्यान रखो, होममेड पास्ता तुमको बनाना होता है, रेडीमेड नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी क्या चल रहा है कि करंट टेंस में क्या चल रहा है कि होटल्स के पास भी कभी कभी क्या होता है कि अगर हम लोग रेडीमेड पास्ता बनाएंगे, ठीक है, होममेड पास्ता हम रखेंगे, तो हमको क्या करना होगा, एक शेफ हायर करना होगा, राइट, पर्टिकुलर चीज़ के लिए। एक पर्सन उसमें बिजी हो जाएगा क्या करने के लिए, होममेड पास्ता बनाने के लिए, वो दिन भर बस पास्ता ही बनाएगा, ठीक है। अब होटल्स क्या करते हैं, रेवेन्यू बचाने के लिए या फिर हमको किसी को पे ना करना पड़े, क्या करते हैं, बाहर से पास्ता मंगाते हैं, रेडीमेड मतलब होममेड पास्ता होटल में नहीं बनाते, रेस्टोरेंट में ऐसा मोस्टली होता है, पर फाइव स्टार होटल्स में क्या होता है, पास्ता बनाते हैं, होममेड पास्ता, फेटुचिनी हो गया, रावेली हो गया, नोकी पास्ता हो गया, ठीक है, ये सब होममेड बनाते हैं, लज़ानिया हो गया होममेड बनाएंगे। सॉस अलग से सर्व किया जाता है ना, मतलब वो मतलब डीप करके अलग से खाना पड़ता है। कौन सा सॉस, किसके साथ? वो जो स्टफ पास्ता रहता है, मोस्ट ऑफ जगह पे दे देते हैं, सॉस भी साइड में देते हैं। हाँ, पर एक डजनमेंट से मतलब सेंस नहीं बनता कि हम अगर पास्ता को साइड में दे रहे हैं, ठीक है, अगर फाइनल जगह पे तुम लोग जाओगे, ऐसे एक पर खाना खाओगे, तो वहाँ पे मोस्टली नहीं देते हैं साइड में सॉस। साइड में सॉस किसके साथ देंगे, जो एपिटाइजर, ठीक है, एपिटाइजर के साथ वो देते हैं साइड में सॉस, पर पास्ता के साथ तो सेंस नहीं बनता कि हम अपने पास्ता में तो सॉस डाला ही है और वही सेम सॉस हम पास्ता के साइड में देंगे, राइट साजिद? यस शेफ। हाँ, वो सेंस नहीं बनता। तो कोई कोई कर देता है, डिपेंड के होटल है, वो शेफ के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर वो कुछ ट्रेंड को लोग चला रहे हैं, तो वैसे भी डिपेंड करता है, डिफर करता है, तो लोग दे देते हैं साइड में सॉस, पर कुछ सेंस नहीं बनता, याद रखो, साइड में सॉस नहीं जाना चाहिए पास्ता, जो पास्ता में सॉस है वही इनफ होता है। तो सब लोग को एक असाइनमेंट, एक और असाइनमेंट, ठीक है, पहला असाइनमेंट मैंने क्या दिया था तुम लोग को, ओपन सैंडविच, ठीक है, अभी तक तो किसी का आया नहीं है मेरे पास, ठीक है, अभी तो भेजो या फिर फोटो भेजो बना के, ठीक है, फोटो भेजो, पीपीटी भेजो, मैंने पीपीटी के लिए कहा है तुम लोग को, राइट, एक पीपीटी में तुम्हारी तुमने क्या बनाया है, बना के फोटो डाल के पीपीटी देना है क्या? हाँ, बस एक ही पेज की पीपीटी बनेगी, बस एक ही पेज होगा। तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं पता है क्या, अभी ये मंथ में आप जितना भी करोगे ना, जैसे कि अभी ओपन सैंडविच और अभी पास्ता का है ना, तो पीपीटी में हम मतलब पूरे मंथ के बाद ऐड करके पूरे मंथ का एंड ऑफ द मंथ सबमिट कर देंगे। तो अभी ये पास हो गया, तो पास्ता तुम्हारे तुमको क्या करना है, पास्ता का असाइनमेंट तुम लोग कर लो,
शेप ऑफ पास्ता, ठीक है, पास्ता के कितने शेप्स हैं उनके नाम, ठीक है, और सॉस, पास्ता सॉसेस लिख लो, शेप ऑफ पास्ता और पास्ता सॉस, और मैं रेसिपी पूछूंगा, तीन सॉस की रेसिपी, पेस्टो की रेसिपी, अरेबिता, बेशामेल, इन तीन सॉस की रेसिपी चाहिए बस, और तो सॉस तुम लिखोगे, ठीक है, सॉस की फोटो और सॉस का नाम, ठीक है, पास्ता सॉस की फोटो, पास्ता का नाम, ठीक है, और शेप ऑफ पास्ता क्या है वो, ऐसे लिस्ट बना लेना, ठीक है, रोज का पास्ता की फोटो हो गई, वो पास्ता का नाम क्या है, ठीक है, और फिर सॉस की फोटो हो गई, सॉस का नाम क्या है, हर सॉस की रेसिपी नहीं पूछूंगा, रेसिपी बस तीन सॉस की चाहिए मुझे, बेशामेल, पेस्टो और अरेबिता, ठीक है, नोट कर लो सब, ये वीक के एंड में चाहिए, सैटरडे को, ये वीक नहीं, आने वाला वीक जो होगा, नेक्स्ट वीक के एंड में, नेक्स्ट वीक में भेजना है, यस, नेक्स्ट वीक के एंड में भेजना है, पासवर्ड डालो, फिर दोनों एक साथ भेजे ना, फिर मतलब एक ही पीपीटी में, हां, दोनों एक साथ भेज दो, मतलब ओपन सैंडविच का और पास्ता का, पास्ता का, ठीक है, शेफ, वो चेरी चीज मतलब कहां पे मिलता है, मतलब मोस्टली कॉमनली तुमको मिलेगा फूड हॉल में, कहां पे, फूड हॉल वाकई में था नहीं, मैं आया, आई थिंक बंद हो गया था शायद, और नहीं तो फिर करेल में मिलेगा, पलेडियम, क्योंकि एक फूड हॉल वहाँ पर करेल में, और फिर मूलो नवेरी लाइन पर है, आई डोंट नो वहाँ पे भी है शायद, वाशी का बंद हुआ फूड हॉल जो था वाशी में, और या फिर अगर तुम लोग ज़्यादा ऑर्डर करोगे तो फिर वो डिलीवर कर देंगे तुम्हारे पास, अगर उस लाइन में तुम लोग प्रेफर होते हैं, या फिर किसी को अगर तुम लोग को दो तीन जन को चाहिए तो मुझे बोल दो, मैं ऑर्डर कर सकता हूँ, आ जाएगा, क्वांटिटी ज़्यादा होगी, मतलब फिर दो तीन जन तुम लोग मिलकर मांगोगे तो ऑब्वियसली क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे डिलीवर हो जाएगी, ठीक है, लीव करो, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू शेफ, थैंक यू शेफ, तुमने आगे से क्लासेस नहीं लूँगा, ठीक है, क्या हुआ, कैमरा ऑन किया करो सब लोग, कोशिश कर रहा हूँ, मतलब अभी तक नहीं, कोशिश करते करते लीव कर दो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, कल कोशिश कर तो कल भी, कल शेफ का है, ठीक है, भगत शेफ का, बेकरी पेस्ट्री शेफ, क्वेश्चन पूछो, शर्माते हो तुम लोग, शायद फील करते हो क्वेश्चन पूछने का, जो डाउट है डाउट क्लियर करने का, ठीक है, यस सर, दो तीन चार पांच लोग गिनती के जो मुझे मैसेज करते हैं, मैं भी करता हूं, ठीक है, स्टार्टिंग से दो लोग को ले लेता हूं, तुम लोग लेट हो जाते हो, यू एंड ऋत्विज, तुम दोनों लेट मैसेज करते हो, पर मेरा पोपट हो जाता है, हां तेरा पोपट इतना जाता है कि तू लेट मैसेज करता है, चलो लीव करो, thank you sir, thank you sir, thank you so much, welcome, bye everyone, bye bye, leave go, call me, leave.